Hello dear students, welcome in SST class of grade 7. Dear students, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 7. In previous video we have completed chapter number 6. Dear students, today we are going to see tribes, nomads and settled communities. See here chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया है. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल कम्युनिटीज. इस चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज के बारे में जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. देखिए फर्स्ट लाइन, यू सॉ इन चैप्टर 2, 3, 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल. देखिए आप लोगों ने देखा है चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में कि किस तरह से अलग अलग साम्राज्य, किंगडम्स, अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए और वो नष्ट हो गए. रोज एंड फेल का मतलब होता है उनका निर्माण हो गया, वो स्थापित हो गए और वो नष्ट हो गए, यानी कि वो फेल हो गए. ठीक है. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. देखिए, even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. और उन दिनों में या फिर इसी तत्कालीन समय में towns और villages जो थे, यानी कि city और जो छोटे छोटे rural areas जो थे, वहां पर arts, craft के production या फिर art, craft के जो product है वो भी तैयार होने लगे थे. ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस. और इसी समय उन सेंचुरीज में जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी कि जो राजकीय, सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट्स थी वो भी तैयार होने लगी, हैड टेकन प्लेस. बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व्ड डिफरेंटली. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाई दिस हैपन. देखिए अब तत्कालीन समय में जो टाउन्स थे, विलेजेस थे, सिटीज थी, जो रूरल एरियाज थे, वहां पर अलग अलग आर्ट्स, क्राफ्ट के प्रोडक्ट तैयार होने लगे, प्रोडक्शन उनका किया जाने लगा. उन्हीं दिनों में जो राजकीय, सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट्स थी वो भी होने लगी. लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे, बहुत सारी ऐसी थिंग्स थी, काइंड्स थी, जहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज़ में ये चीज़ें नहीं हुई थी. इनमें कुछ डिफरेंट काइंड्स थी. और ये सब जो चीज़ें थी ये क्यों थी, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे कि ये क्यों हुआ, ये किस तरह से हुआ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब ये हमें समझना ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो पाई, हाउ एंड वाई, और उसके पीछे कौन कौन से ऐसे रीजन थे कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी, कम्युनिटीज थी, उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ था. ओके तो ये जो फिगर नंबर 1 दी गई है, देखो यहाँ पर ट्राइबल डांस. ओके यहाँ पर कुछ लोग दिखाए गए हैं. जैसा कि हमें मालूम है कि अलग अलग सोसाइटीज या फिर अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग क्या होते हैं, कल्चर होते हैं, रहना, खाना पीना सब जो चीज़ें होती है वो अलग होती है. उनके कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है. तो यहाँ पर पिक्चर में एक जो कम्युनिटी है, ट्राइब है, उसका एक प्रोग्राम दिखाया गया है, ट्राइबल डांस इसका नाम है. ओके कमिंग टू अवर पॉइंट, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण. जैसा कि हमने वर्ण के बारे में जानकारी ली थी कि वर्ण के अलग अलग प्रकार है, तो सोसाइटी जो है वो वर्णों में डिवाइड की थी, कास्ट में डिवाइड की गई थी, ट्राइब्स में डिवाइड की गई थी. दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास वेर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड. अब देखिए क्या हुआ था वर्णा में, दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास. अब ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने वर्ण में अलग अलग क्या बनाए थे, रूल्स बनाए थे. वेर एक्सेप्टेड बाय द रूल्स ऑफ लार्ज किंगडम्स, और जो भी कुछ रूल्स बनाए गए थे वो बहुत बड़े बड़े जो किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, उन्होंने एक्सेप्ट किए थे
कि जो भी कुछ वर्णों के द्वारा नियम स्थापित किए गए हैं, रूल्स तैयार किए गए हैं, उन्हीं रूल से सोसाइटी को क्या करना है, रन करना है, चलाना है। तो इससे क्या हो गया, एक डिफरेंस तैयार हो गया कि कैसा डिफरेंस था, वो हाई एंड लो, यानी कि गरीब और रिच जो थे, पुअर रिच, उसके बाद जो है रिच एंड पुअर की जो सिचुएशन थी वो इंक्रीज होती गई, यानी कि जो पुअर पीपल्स थे वो पुअर ही रहे, जो रिच लोग थे वो रिच होते गए, इस तरह का एक डिफरेंस उन दिनों में देखा गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। अब जब मुगलों का समय था, तत्कालीन काल में ये जो डिफरेंस था ये बढ़ता ही चला गया, यानी कि रिच लोग जो थे वो रिच होते गए और जो गरीब लोग थे सोसाइटी में वो गरीब ही होते गए, या फिर उनकी सिचुएशन में कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं हो पाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बियॉन्ड बिग सिटीज। अब जो बिग सिटीज थी वहां पर ट्राइबल या फिर कम्युनिटी की जो सिचुएशन थी वो किस तरह की थी, ट्राइबल सोसाइटीज यानी कि अलग अलग जो कम्युनिटीज थी वो किस तरह से उनकी सिचुएशन थी, इसके बारे में हम इस पॉइंट में जानकारी देखेंगे। ओके, देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। अब देखिए अलग अलग तरह की सोसाइटीज थी, अलग अलग कम्युनिटीज वहां पर पाई गई। मेनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मणास। अब देखिए ब्राह्मण लोगों के द्वारा वर्ण में या फिर कम्युनिटी के लिए अलग अलग रूल्स तैयार किए गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज थी जो क्या करते थे, उन रूल को फॉलो नहीं करते थे, सोशल रूल्स जो थे उनको फॉलो नहीं करते थे, रिचुअल्स यानी कि जो पूजा अर्चना होती थी उनके जो रूल्स रहते थे उसको वो फॉलो नहीं करते थे। नॉर वेयर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और वो अनइक्वल क्लासेस में भी डिवाइड नहीं हुए थे। अनइक्वल क्लासेस यानी कि क्या, कि जो लोग कुछ रिच पर्सन्स, कुछ लोग गरीब लोग, पुअर लोग, या फिर जो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, इसका डिफरेंस भी वहाँ पर नहीं देखा गया। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और ये जो सोसाइटीज थी इनको क्या कहा गया, ट्राइब्स कहा गया था। ट्राइब्स के बारे में आप लोगों को मालूम है कि ट्राइब्स जो है अलग अलग टाइप्स की ट्राइब्स होती है, उनमें जो सोसाइटीज होती है, कम्युनिटीज होती है, लोग उनमें रहते हैं। ओके, अब ये ट्राइब्स किस प्रकार की होती थी, ट्राइब्स में क्या क्या है, ट्राइब कौन कौन सी ट्राइब्स होती है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ओके, सी मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वेयर यूनाइटेड बाय नीशिप बॉन्ड्स। अब अलग अलग तरह की जातियां रहती थी, अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। Many tribes obtained their livelihood from agriculture. अब जो कुछ भी उनमें tribes थी या फिर कुछ tribes ऐसी थी जो क्या करते थे, खेती करते थे और खेती करके ही अपना जो पालन पोषण है वो चलाते थे। Others were hunter, gatherers और herders. और इन tribes में कुछ hunter भी रहते थे, gatherers रहते थे और herder रहते थे। Most often they combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. अब ये जो tribes रहती थी ये क्या करते थे, लोग कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ लोग जंगल में यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, और अपना जो जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती थी वो हासिल करते थे। अब इन tribes में कुछ tribes ऐसी भी थी कि वो एक प्लेस पर ना रहकर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते थे, मूव करते थे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, यानी कि एक जगह पे वो क्या नहीं रहते थे, सेटल नहीं रहते थे। अब कुछ कम्युनिटीज जो ऐसी रहती है वो सेटल रहती है, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी रहती है वो अलग अलग प्लेस पर काम की वजह से उनको जाना पड़ता है, तो वो सेटल नहीं रहते हैं एक जगह पे या फिर एक गाँव में वो सेटल नहीं हो पाते हैं। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड्स एंड pastures jointly and divided these amongst household according to its own rules. अब ये जो लोग रहते थे ये क्या करते थे, अपने जो needs है, अपने जो काम है उनके मुताबिक ही अपने क्या करते थे, जीवन व्यतीत करने के rules वो तैयार कर लेते थे और उस हिसाब से अपना जीवन क्या करते थे, वो चलाते थे, अपने जो daily needs है, अपने जो घर को चलाने के लिए जो भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती थी उसके हिसाब से वो काम को ढूंढते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, मेनी लार्ज ट्राइब्स थ्रीव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब बहुत ऐसी ट्राइब्स थी जो
सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट हिल्स डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। देखिए वो कहाँ पर रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, हिल्स के एरिया में रहते थे, डेजर्ट एरिया में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लेसेस रहते थे वहाँ पर रहकर वो जो अपनी डेली नीड्स है वो फुलफिल करवा के लेते थे। ठीक है, समटाइम्स दे चेस सॉरी दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज इन वेरियस वेज। द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। अब कुछ जो ट्राइब्स रहती थी, जैसा कि हमने पहली लाइन में देखा है कि ब्राह्मणों के द्वारा वर्णों में जो भी कुछ रूल्स तैयार किए गए थे, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थी कि वो क्या करते थे, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। तो इस जगह पे वो लोग क्या करते थे, खुद का एक कल्चर बना लेते थे, जो भी कुछ जीवन उनको व्यतीत करना है उसकी रिगार्डिंग जो भी कुछ उनको ज़रूरत लगे उस हिसाब से वो खुद को ढालते थे, खुद का एक कल्चर उन्होंने सेपरेट कल्चर तैयार कर लिया था। ठीक है, बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। देखिए अब ये बात आप लोगों को मालूम है कि एक इंसान या फिर पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर ट्राइब अपनी जो नीड्स है वो खुद के ही हिसाब से फुलफिल नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसी ट्राइब्स थी कि जो एक दूसरे पर निर्भर थी, वो क्या करते थे, एक दूसरे की जो नीड्स है उनको फुलफिल करने में हेल्प करते थे। दिस रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। अब इनमें कुछ रिलेशनशिप भी रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष भी कभी कभी उनमें होते थे, और डिपेंडेंस भी वो लोग थे कि अब यानी कि खुद की कुछ ऐसी नीड्स थी वो खुद कंप्लीट कर पाते थे। ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज, और इसी वजह से क्या हुआ था, ये जो ट्राइब्स थी, ये जो कम्युनिटीज थी, इनमें थोड़े बहुत बदलाव आ गए थे। ओके, अब हम देखेंगे हु वेयर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल कौन थे, कंटेम्पोररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्केंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। अब जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार है, इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन इनको मिल पाई है। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। ट्राइबल पीपल के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स यानी कि लिखित स्वरूप के कोई भी रिकॉर्ड्स उनके नहीं मिलते हैं, बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन जो पुराने लोग रहते हैं, जो आपको मालूम है कि जो अपने दादा है वो, दादी जी हो, ये क्या करते हैं, जो भी कुछ ओल्ड कम्युनिटीज है इनके बारे में हमें कभी कभी जानकारी देते हैं, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस यानी कि जो भी कुछ उनके कल्चर थे, उनका रहना सहना, वो कहाँ पर मूविंग करते थे, इसके बारे में भी हमें ओरली जानकारी मिल सकती है। दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। और ये जो जानकारी है, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है, जनरेशन होती है, एक दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन क्या करते रहते हैं, वो पास करते रहते हैं। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल्स हिस्टोरीज। देखिए अब ट्राइबल जो लोग थे, ट्राइबल जो कम्युनिटीज थी, इनकी कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, तो ये जो जनरेशन के हिसाब से या फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन पास होती है उसके हिसाब से अब हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार क्या कर रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका ओरली सुनकर या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गेन करके उसको लिखित स्वरूप में तैयार करने का काम किया जा रहा है। ओके, ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो उपखंड है, सबकॉन्टिनेंट है, वहां पर हर जगह पे प्लेस टू प्लेस ट्राइबल पीपल मिलते हैं, पाए जाते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। अब ये जो ट्राइब्स है ये क्या करते थे, अपने अपने हिसाब से अपने काम को ढूंढते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग प्लेस पे ये लोग सिचुएट हुए और उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से अपनी जो रहने की जगह है वो सेटल्ड की थी। अलग अलग टेरिटरीज जो है वहां पर उन्होंने अपनी जो कम्युनिटीज को है उनको सेटल किया था। इन पंजाब द खोखार ट्राइब्स वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरीज। अब देखिए पंजाब में इसी तरह की ट्राइब्स है जिसका नाम है द खोखार ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरीज। देखिए 13वीं शताब्दी और जो 14वीं यानी कि 13th और 14th जो सेंचुरीज है उन दिनों में खोखार जो ट्राइब है
उन्होंने अपना जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट का काम पंजाब रीजन में किया था। लेटर द गखार्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद एक गखार्स नाम की ट्राइब आई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब के तौर पर देखी जाने लगी। देयर चीफ कमल खान गखार वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर, और इसी ट्राइब में एक इंसान थे जिनका नाम है कमल खान गखार, जिनको नोबल बनाया गया है। फिर वहाँ के जो किंगडम के जो किंग थे, साम्राज्य के सम्राट थे, उन्होंने उनको मनसबदार भी बनाया था। देखिए, मनसबदार बनने के बाद ये जो ट्राइब का जो रीजन था वो एक रीजन इनके द्वारा चलाया गया था। ओके, देखिए यहां पर दिया गया मनसबदार इन मुल्तान एंड सिंध द लांग्स एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वेयर सबड्यूड बाय द मुगल्स। अब मुगलों के द्वारा एक और ट्राइब्स है जिनका नाम है द सिंध में द लांगास एंड अर्गुन्स, ये जो ट्राइब्स है इनको मुगलों के द्वारा इनका विनाश करने का प्रयास किया गया या फिर उनको डोमिनेट किया गया, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है वो जो लोग काम करते थे उनको वो क्या करते थे, मुगलों के द्वारा उन्हें डोमिनेट किया गया, यानी कि जो भी कुछ काम करने लगे उनमें वो क्या करते थे, उनके उनको एक रुकावट बनते थे। द बालोशीज वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल, देखिए एक ट्राइब है बालोशीज, वो क्या कर एक पावरफुल ट्राइब थी, ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की एक बहुत पावरफुल एक ट्राइब थी जिसका नाम था बालोशीज। दे वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस अंडर द डिफरेंटशिप इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज। अब वेस्टर्न हिमालय का जो पार्ट था वहां पर एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था ट्राइब ऑफ गड्डीज। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स द नागास। अब नागास जो ट्राइब है वो भी वहां पर पाई जाती थी, इसका नाम आपने सुना होगा नागा लोग या फिर नागास ट्राइब, अहोम्स एंड मेनी अदर्स, और एक ट्राइब है जिसका नाम है अहोम, वो भी वहां पर सिचुएट थे। ठीक है, यहां पर क्लैन जो वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग है, देखिए क्लैन, अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन नीशिप और क्लैन लॉयल्टीज। ये क्लैन का यहाँ पर एक मीनिंग दिया है, क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड, इसे हम शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं, क्लैन यानी कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज या फिर एक ट्राइब के जैसा हम उसको देख सकते हैं। ओके, इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड शेरो शिपडोम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। देखिए अब झारखंड में बिहार में शेरो शिपडोम्स नाम की जो ट्राइब्स थी वो भी पाई गई। राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ट एंड डिफीटेड द शेरोज इन 1591। अब जो एक मानसिंह थे उन्होंने अकबर्स फेमस जनरल, अकबर का फेमस जनरल था जिसका नाम था राजा मानसिंह, इन्होंने किसको डिफीट किया, शेरोज इन 1591 1591 में इनको डिफीट किया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वेर नॉट एंटायरली सबड्यूड। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी शेरो फॉरेस्ट्रेसेस एंड सब जजेटेड द ट्राइब द मुंडास एंड द संताल्स वेर अमॉन्ग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द रीजन एंड ऑल्सो इन ओरिसा एंड बंगाल। देखिए अब उसी जगह पर अकबर जो था, अकबर के कार्यकाल में तत्कालीन काल में अलग अलग जगह पर उन्होंने अटैक करके जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ चीज़ों को उन्होंने गेन किया, वहीं पर औरंगजेब के द्वारा भी, औरंगजेब के सैनिकों द्वारा भी अलग अलग जगह पर शेरों जो था वहां पर अटैक करके फॉरेस्ट एरिया हो या फिर लैंड का एरिया हो, प्रॉपर्टी हो, उनको भी गेन किया गया। उन्हीं दिनों में उड़ीसा और बंगाल जो था यहाँ पर भी अलग अलग जगह पे क्या किया गया, अटैक्स किए गए और वहाँ की जो लैंड थी, वहाँ की जो प्रॉपर्टी थी उसको गेन किया गया। ओके, देखिए नेक्स्ट, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर होम टू कोलीज बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स। देखिए महाराष्ट्र में
कोली बेराड्स नाम की जो ट्राइब्स है वो रहने लगी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरिया ऑफ गुजरात, कोलीज जो ट्राइब है वो गुजरात के कुछ इलाकों में भी रहने लगी। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज, वेटार्स, मारवार्स एंड मेनी अदर्स। देखिए, और बाद में कोरागास, वेटार्स, मारवार्स और इस तरह की अलग अलग बहुत सारी ट्राइब्स भी वहाँ पर पाई जाने लगी। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और ये जो भील्स नाम की जो भी ट्राइब है, जो कम्युनिटी है, वो भी सेंट्रल इंडिया में, इंडिया का सेंट्रल जो पॉइंट है वहाँ पर पाई जाने लगी। बाय द लेट 16वीं सेंचुरी में मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। अब ये जो ट्राइब्स थी यहाँ से वहाँ क्या करती थी, मूविंग करती थी। इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने एग्रीकल्चर करने का काम किया और एग्रीकल्चर की वजह से, खेती बाड़ी की वजह से वो एक जगह पे ही सेटल हो गए। इनमें, इन ट्राइब्स में से कुछ जमींदार भी बन गए, यानी कि इन लोगों ने लैंड गेन की थी। मेनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन हंटर गैदरर्स, और जो भील्स जो जमाती थी या फिर ट्राइब थी, क्लैंस नेवरथलेस रिमेन हंटर गैदरर्स, और ये इनमें से भी कुछ लोग हंटर और गैदरर्स थे, इन्होंने भी अपने खेती बाड़ी का काम तत्कालीन समय में शुरू किया था। द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, और जो गोंड नाम की जो ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो आज भी छत्तीसगढ़ के या फिर छत्तीसगढ़ में हमें देखने के लिए मिलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भील और गोंड ये जो ट्राइब्स है ये पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब नोमाड और मोबाइल पीपल यानी कि ट्राइब जो है, कम्युनिटीज जो है, वो कैसे रहती थी, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। अब ये जो लोग थे ये क्या करते थे, अपना जो घर बार है, अपने जो बच्चे हैं, एनिमल्स है, इनके साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ओके, दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स। वो क्या करते थे, उन जानवरों से जो मिल्क्स मिलता है या फिर और कुछ जो प्रोडक्ट्स उनसे हासिल होते हैं उनसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल घी ETC। देखिए, अब वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज यानी कि खरीदारी बेचना इन जैसे कामों को करते थे। वूल बेचते थे, उनसे कुछ मनी गेनिंग करते थे, घी बेचते थे, उनसे भी अपना घर बार वो क्या करते थे, चलाते थे, और एक्सेट्रा यानी कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे वो अपने घरों को चलाते थे। विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन क्लोथ यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब ये हो गया जो लोग प्लेस टू प्लेस घूमते थे वो क्या करते थे, वूल घी एक्सचेंज करते थे, और जो लोग सेटल थे, जो स्थित कम्युनिटीज थी, स्थित जमातियां थी, ट्राइब्स थी, वो क्या करते थे, क्या एक्सचेंज करते थे, ग्रेन क्लोथ यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि खेती बाड़ी से जो भी कुछ उनको मिलता था उसे वो एक्सचेंज करते थे। ओके, सी फिगर नंबर टू। फिगर नंबर टू में भील्स हंटिंग डियर बाय नाइट। भील लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस फिगर में वो डियर की हंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हंटिंग का काम शुरू है, शिकार वो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फिगर नंबर थ्री, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द हाउस आउटसाइड वर्ल्ड। हेयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ कैमल्स। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया एंड द बंजारास एंड अदर ट्रेडर्स कैरीड दीज टू लोकल मार्केट्स। देखिए किस तरह से एनिमल्स पर अपना जो बोझा है वो डालकर लोग इस तरह से ये जो चीज़ें थी और चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। इनके लिए एनिमल्स के जैसे जो कैमल्स के जैसे जो एनिमल्स है, जो प्राणी है, इनका इस्तेमाल भी उन दिनों में किया जाता था, जो चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट, दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना जो माल है या फिर अपनी जो भी कुछ चीज़ें हैं उनको वो एनिमल्स की हेल्प से ट्रांसफर करते थे। द बंजाराज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स। अब इनमें से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली जो इंपॉर्टेंट जमाती थी वो थी बंजारा। देयर कारवां वॉज कॉल्ड तांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन
टू द सिटी मार्केट्स। अब जो अलाउद्दीन खलजी थे या फिर जिनको एक सम्राट भी कहा जाता है अलाउद्दीन खलजी, वो क्या करते थे, बंजारा लोगों को अपना जो माल है वो ट्रांसपोर्ट या फिर ग्रेन जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मार्केट तक ले जाने के लिए बंजारा जो लोग थे, ट्राइब थी, उनका इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। जो एम्परर जहांगीर है उन्होंने कहा है, उन्होंने लिख के रखा है कि बंजारा जो ट्राइब है वो क्या करते हैं, बुलक्स का इस्तेमाल करके जो भी कुछ काइंड्स है उनको ट्रांसफर करने का काम करती है। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। देखिए अब ये जो बंजारा है इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था मुगलों के काल में, क्या किया था, मिलिट्री कैंपेनिंग जो रहती थी तो सैनिकों के लिए जो खाने पीने का जो सामान रहता है वो बुलक्स के द्वारा या फिर बुलक कार्ट के द्वारा वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी वन लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। देखिए अब विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी वन लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन, लगभग 1 लाख तक बुलक्स वो क्या करते थे अलग अलग जगह पे कैरी करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, उनके हेल्प से अलग अलग जो है ट्रांसपोर्टिंग की काइंड जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ओके देखिए नोमाड्स एंड इंटरनेट ग्रुप्स, नोमाड्स आर वांडरिंग पीपल। नोमाड्स क्या थे, एक वांडरिंग पीपल यानी कि प्लेस टू प्लेस मूव होने वाले, एक जगह पे वो सेटल नहीं होते थे। मेनी ऑफ देम पैस्टोरलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पास्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। जो अलग अलग जो पालतू जानवर है उनके साथ भी वो क्या करते थे, एक प्लेस से another place यानी कि one place to another place वो moving करते रहते थे। Similarly itinerant groups such as craft persons, peddlers and entertainers travel from place to place practicing their different occupation. Both nomads and groups often visit same places everywhere. जो one place to another place वहाँ पर घूमने वाले जो लोग थे वो अलग अलग अपने जो काम है वो करते रहते हैं, जैसे कि लोगों को एंटरटेन करना, अलग अलग चीज़ों की सप्लाईज करना, ट्रांसपोर्टिंग करना या फिर जो भी कुछ एग्रीकल्चर से चीज़ें मिलती थी उनका सेलिंग करने का काम भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। ओके तो यहाँ तक हम आज अपना लेसन देख चुके हैं, चैप्टर की जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।